ओके गाइस, तो सैमसंग की तरफ से ऑफिशियल रिलीज कर दी गई है एंड्रॉयड 13 विद वन ईयर 5.0 की कंप्लीट अपडेट लिस्ट। जी हां गाइस, इससे पहले जो अपडेट लिस्ट रिलीज किया गया था उसमें काफ़ी सारी डिवाइस जो है वो मिसिंग थे, बट गाइस ये जो अपडेट लिस्ट निकल के आ रही है ना, इसमें काफ़ी सारी डिवाइस जो है वो ऑलमोस्ट इंक्लूड है। तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इन सभी डिवाइसों के बारे में कि कौन सी डिवाइस को कौन सी मंथ में वन ईयर 5.0 की स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिलने वाली। तो अगर आप लोगों के पास सैमसंग का कोई सा भी स्मार्टफोन है यार, तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट की यार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप लोग वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे बात कर लेता हूँ अक्टूबर 2022 का। तो ऑब्वियसली अक्टूबर 2022 में सैमसंग S22 सीरीज के अंदर जो है वो अपडेट देखने के लिए मिल चुका है। नवंबर 2022 में कौन कौन से स्मार्टफोन के अंदर वन ईयर 5.0 की अपडेट देखने के लिए मिलने वाली है, तो सबसे पहला स्मार्टफोन निकल के आता है सैमसंग जेड फोल्ड 4, जेड फोल्ड 3, 5G, जेड फ्लिप 4, जेड फ्लिप 3, 5G, सैमसंग S21 अल्ट्रा 5G, S21 प्लस 5G, S21 5G, S21 FE 5G, S20 प्लस 5G, S20 5G, S20 FE, गैलेक्सी S20 FE 5G, नोट 20 अल्ट्रा 5G, नोट 20 5G, नोट 20, नोट 20 A53, A53 5G, A33 टैब S8 प्लस, टैब S8, टैब S8 अल्ट्रा, टैब S8 Wi-Fi एंड 5G। तो गाइस, इन सभी स्मार्टफोन के अंदर जो है वो नवंबर 2022 में वन ईयर 5.0 की अपडेट देखने के लिए मिलने वाली। बात करें यहाँ पे दिसंबर में कौन कौन से स्मार्टफोन के लिए वन ईयर 5.0 की अपडेट रिलीज की जाएगी, तो सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 2 5G एंड 4G एडिशन, सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5G, सैमसंग S20 अल्ट्रा 5G, सैमसंग S20 प्लस, सैमसंग S20, सैमसंग S10 लाइट, सैमसंग A71, नोट 10 लाइट, A72, A52 5G, A52S 5G, A51, A32 5G, M53 5G, M52 5G, M33 5G, M32 5G, X Cover Pro, Tab S7 FE 5G, Tab S7 FE। तो इन सब ये स्मार्टफोन के अंदर जो है वो दिसंबर 2022 में फाइनली अपडेट देखने के लिए मिल सकती है। बात करें जनवरी 2023 अपडेट लिस्ट के बारे में, तो सैमसंग A23 5G, A22, A22 5G, A13, A13 5G, A12, M23 5G, M22, M13, M12, X Cover 5, Tab S6 Lite, Tab Active 4 Pro 5G, Tab Active 4 Pro, Tab Active 3, Tab A8, Tab A7 Lite। तो ये सभी स्मार्टफोन के अंदर जनवरी 2023 में फाइनली अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। बात करें फरवरी अपडेट लिस्ट के बारे में, सैमसंग गैलेक्सी A04s, A03 एंड A03s। जी हां गाइस, तो इन सभी स्मार्टफोन्स के अंदर जो है वो इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग वन ईयर 5.0 विद एंड्रॉयड 13 की अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो आज की इस न्यू वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी यार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट की यार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस न्यू वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।